और रायपुर में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीएसएनएल के मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय में यह आयोजन हुआ है। वहीं सेवा निवृत्ति की बात को लेकर कर्मचारी ने पोल खोल दी। कर्मचारी लक्ष्मण मैथिल ने बताया कि सेवा निवृत्ति का पोस्टर लगाकर कर्मचारियों की छटनी की जा रही है। कर्मचारी अधिकारियों से बातचीत की। स्वराज संवाददाता सत्या राजपूत ने। भारत संचार निगम लिमिटेड से आज पूरे भारत से लगभग 80,000 एम्प्लॉय आज बीआरएस ले रहे हैं और छत्तीसगढ़ से लगभग 47% जो कर्मचारी है बीआरएस ले रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ कर्मचारी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि बीआरएस लेने के पीछे का कारण क्या है। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कितने ये देखिए मैनेजमेंट ने इसकी वैकल्पिक व्यवस्था की है और हम लोग भी अभी बीएसएनएल को जरूर हम ऑफिशियली रिटायर्ड हो जा रहे हैं लेकिन हम बीएसएनएल को पूरी अपनी सेवाएं आगे भी देने की सोच रहे हैं। वैकल्पिक व्यवस्था की बात की जा रही है, किस तरह की व्यवस्था हुई है? हाँ जरूर देखा जा सकता है क्योंकि कई लोग भगाने के डर से भय से जिन लोगों की नौकरी 2 साल 7 महीना 8 महीना 14 महीना बची वो लोग डर से ले रहे 58 न कर दे 60 का उम्र है तो अपने को घटाने डर से कई लोग लिए तो घर जाने से आप ही आप भाग जाएंगे ऐसे सोच करके बहुत से लोग लिए दबाव प्रेशर है। हमारे डिपार्टमेंट में हमारा नौकरी 1.5 साल बचा था लेकिन हमको नौकरी करने की विचार था लेकिन हमारे डिपार्टमेंट इसे कमजोरी हमारे 2-3 में से भी तनख्वाह नहीं मिला है तो भूखा लगे से ड्यूटी करेंगे। और आज स्थिति है कि कब तक तनख्वाह मिलेगा कोई गारंटी नहीं है इसीलिए हम लोग मजबूरी से हम लोग डिपार्टमेंट से भगा रहे डिपार्टमेंट इसीलिए हम लोग जा रहे हैं और कोई तकलीफ नहीं है और आने वाले भविष्य में और डिपार्टमेंट क्या होगा कोई गारंटी नहीं है। जो आपका स्कीम बताया जा रहा है वो जो राशि है एक साथ दे जा रहे हैं कि कैसे मिलेगा आपको? तो राशि की तरफ कोई गारंटी नहीं है डिपार्टमेंट बोल रहा है कि किसे देंगे करके लेकिन क्या गारंटी मिले अभी अब तनख्वाह नहीं मिला है तो कोई गारंटी नहीं कब मिलेगा। हमें तनख्वाह तो मिले अभी तनख्वाह नहीं मिली दिसंबर जनवरी का अभी तक से तो तीन किस्त बोल रहे हैं डिपार्टमेंट लेकिन कोई गारंटी तीन किस्म देगा ये किस्म देगा कोई गारंटी नहीं सर बता रहा हूँ मैं। तो अभी आपने उन कर्मचारियों का दर्द सुना जिन्होंने साफ कहा है कि वो दबावपूर्ण ये आज अपने नौकरी छोड़ने को मजबूर हैं। उनकी इच्छा है कि वो अपनी नौकरी का जो कार्यकाल है उसको पूरा करें लेकिन जो कंपनी द्वारा प्रेशर बनाया जा रहा है उनके सामने वो मजबूर है। फिर अब देखना ये होगा कि इनके जाने के बाद कार्य पर कितना असर पड़ता है। कैमरामैन चोलाराम के साथ सत्यराजपूत स्वराज एक्सप्रेस रायपुर भारत संचार निगम लिमिटेड।